दोस्तों मैंने आगे के बोनट में भी रबिंग लगा दी है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। ये दरवाजे में लगाई मैंने, अब पीछे तो हो चुका है बट ये आगे वाला दरवाजा है, इसमें येलोपन आ रहा है, तो मैंने बोनट में भी लगा दिया है। मैं इसे क्लीन करता हूँ अपनी गाड़ी को। तो दोस्तों आज मैं आपके एक नई चीज लेके आया हूँ, इसका नाम है रबिंग कंपाउंड हाई फिनिश। मतलब ये क्या करता है, ये जो आपकी गाड़ी पे जो येलो डार्कनेस हो जाता है, मतलब एक जो ये पानी से हो जाता है और ये धूप से भी हो जाता है, तो इसको नहीं क्लीन कर देता है। अभी देखो ये येलो दिख रहा है ना, तो अभी क्लीन कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल क्या चीज है। ये रबिंग ये देखो, ये मतलब दर दरा टाइप का होता है, ये तो ये क्लीन कर देता है बिल्कुल। तो मैं स्टूडियो में आपको दिखाता हूँ, और आप कहीं से भी ले सकते हो। ये मतलब जो शॉप होती है, आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कोई से भी ले सकते हो, वाइट रेड जो भी, मतलब आपके पास कॉटन का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं हल्का हल्का यूज़ करना है इसमें। मेरी गाड़ी बाहर धूप में रहती है तो ये जल्लोपन आ जाता है और वाइट में जाता रहता है, दिखता है वाइट में। इसको हम गाइप करके दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों बिल्कुल क्लीन हो चुका है ना, थोड़ा और लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों आपको और दिखाता हूँ क्लीन करके। तो देख सकते हो आप दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, देखो व्हाइट हो चुका है, जो येल्लो इसमें दिख रहा था बिल्कुल साफ हो चुका है, येल्लो जो था उसमें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और जो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें ना, मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस बहुत लगे हैं, देखो यहाँ पे भी येल्लो है ना, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी येल्लो रखा है। तो इसको मैं क्लीन करूंगा और आपको मैं और दिखाता हूँ। अभी दूसरी साइड में स्क्रैच लगा है और ये टेपिंग का दाग बैठ जाता है, निकलता तो है नहीं हाथ से, तो इसको भी मैं आपको गाइप करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना होता तो उसमें बहुत है। ये आपको मैं दिखाता हूँ क्लीन करके, इसको बहुत हार्ड इसको तेजी से करना पड़ता है तभी ये क्लीन हो पाता है। हो चुका है ये देखो, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसको पानी से पोंछ लेंगे, ये देखो बिल्कुल जो टेपिंग का जो दाग बैठा था वो हट चुका है। और आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, इसमें स्क्रैच है ना मेरी गाड़ी में, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो स्क्रैच कैसे गायब होता है ये रबिंग से। तो मेरी गाड़ी में थोड़ा सा येल्लो येल्लो है इधर साइड में ना, तो मैंने ये तो क्लीन कर दिया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है बिल्कुल। दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ लाया हूँ मैं आपके लिए, इससे दाग दुख सब मिट जाता है, जो स्क्रैचेस होते हैं ना इसी गाड़ी में कहीं साइड में लग जाता है स्क्रैचेस सब। देखो ये जो येल्लोपन था इसमें वो हट चुका है, इसमें वाइट आ चुका है, देखो ये वाइटपन आ चुका है इसमें, बिल्कुल क्लीन लग रहा है बिल्कुल सफ़ेद। और ये वाले में देखो कितना डल जैसा लग रहा है, नीचे और ऊपर में बहुत अंतर आ चुका है। देखो नीचे बिल्कुल क्लीन है और ऊपर देखो हल्का येल्लो येल्लो है इस एरिया में। अभी मैं इसको पूरा करूँगा यहाँ से बैक तक। दोस्तों इस साइड मैंने क्लीन कर दिया है, देखो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, और ऊपर साइड है थोड़ा हल्का जो येलो था वो मैंने अभी नहीं किया है, कि मैं अभी करूँगा। ये देखो हल्का येलोपन है, और इस साइड में भी येलोपन है, इसमें भी दिखा, यहाँ पे भी येलोपन है। इसमें ज़्यादातर है आगे साइड में ना येलो दाग हैं जो हल्के हल्के, ये पानी के दाग हो जाते हैं। तो अभी मैं उस वाली साइड में आपको दिखाता हूँ कितने स्क्रैचेस लगे हैं गाड़ी में, तो उसको हम क्लीन करेंगे। अभी देखो नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल क्लीन लग रहा है, बिल्कुल साफ, और उधर का हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो छोटे छोटे ये है, इसमें भी साफ करता हूँ मैं। और ये टेपिंग करी है ना, टेपिंग खराब तो मैंने इसे निकाल दिया था, इसमें भी है गंदगी, तो दिखाता हूँ आपको मैं। और ये स्क्रैच देखो कितना लंबा लगा है, इससे गाड़ी की आपकी धब्बी लगती है, तो उसके लिए मैं रबिंग लेके आया था। ये देखो यहाँ स्क्रैचेस, यहाँ पे भी है। अभी टेपिंग निकालता हूँ मैं, तो देखो मुझे ये दाग है ना, ये निकाल के आपको दिखाऊंगा। पहले मैं टेपिंग निकाल लेता हूँ, बहुत हार्ड होता है, निकलता भी नहीं जल्दी से। हटा के दिखाता हूँ इसको, आप ऐसे आराम से लगा सकते हो, कम लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लगा सकते हो। और आपको कपड़ा लेके इसको हल्का हल्का निचोड़ देना है, और फिर आपको इसको तेज तेज रगड़ना है, तो आप देख सकते हो दाग अपने आप गायब हो रहा है जो हमने रबिंग लगाई थी। थोड़ा सा और लगाते हैं, एक एक बूंद हमने लगा लिया है, फिर हम इसको निचोड़ते हैं दोबारा, इसको हम टाइट से प्रेस करते हैं। तो दोस्तों स्क्रैच गायब हो चुका है, देखो इस
स्क्रैच स्क्रैच बिल्कुल गायब हो चुका है, ये भी है स्क्रैच एक, इसको भी हटाते हैं फिर निचोड़ के थोड़ा और लगाते हैं, इसको घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी स्क्रैच लगे हैं ये। तो दोस्तों अब इसे क्लीन करते हैं बिल्कुल तेजी से, तो ये आपको दिख रहा होगा ये गायब हो चुका है और यहाँ पे भी है स्क्रैच, इसको भी हम गायब कर दिया है। एक ये स्क्रैच है ये आपको दिख रहा होगा, इसको भी हम क्लीन करते हैं, इसको हम पहले घुमाते हैं हल्के हल्के हाथ से। रबिंग क्या करती है, जो येलोपन होता है ना गाड़ी में वाइट हो गया, ज़्यादातर वाइट गाड़ियों में येलोपन दिखता है, जैसे कोई ग्रे कलर होता है उसमें नहीं, पर उसमें भी दाग हट जाएंगे आपके, जो स्क्रैचेस लगे होते हैं ना, जैसे कहीं आप गाड़ी लेके जा रहे हैं किसी बाइक वाले ने ठोक दिया तो स्क्रैच लग जाते हैं, तो आप उसे क्लीन कर सकते हो ये रबिंग ला के। ये कम से कम इसका प्राइस तो 95 का लिखा है, इसमें मुझे 90 का मिला है, 90 का मिला है, तो इसको मैं इसको गाइड करके दिखाता हूँ आपको। देखो हल्के हल्के गायब हो गया ना, इसमें हम थोड़ा सा और लगाते हैं रबिंग, ये देखो बिल्कुल आपको ओके हो गया है, देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ये हमने बिल्कुल ओके कर दिया है। तो दोस्तों मैंने टेपिंग निकाल ली है, देखो इसमें कि दाग आ रहा है बिल्कुल ना, दाग है टेपिंग के दागे निकल नहीं रहा है, देखो मैं आपको पानी से निकाल के देखो ये नहीं निकल रहा है, ये देखो दाग दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ लाइनिंग है ये, तो ये आपका काम करेगा रबिंग। तो हम थोड़ा सा रबिंग लेते हैं और इस एरिया में लगाते हैं, रबिंग लगाया यहाँ पे, इसको कपड़े से भी ले सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कपड़े पे ले गए, देखो कितना जल्दी जल्दी है छोड़ रहे, ये हट रहा है, देखो क्लीन हो रहा है बिल्कुल, टेपिंग हट रही है, देखो टेप का जो दाग था वो हट चुका है बिल्कुल, देखो जो टेपिंग का दाग था वो हट चुका है, जो टेपिंग का दाग था ना वो हट चुका है, और ये जो दाग है ये टेप का ही मैं निकाल दूंगा, जो नीचे दाग था ना वो निकल चुका है, देखो कितना क्लीन लग रहा है ना, मतलब जो टेपिंग की जो दाग था वो हट चुका है, तो बिल्कुल इसकी जो बॉडी है क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी ये खरीद सकते हो, बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये थोड़ा सा ये है देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है इसकी बॉडी, थोड़ा सा हल्का सा और लगा देते हैं शाइनिंग आने के लिए, ये जो टेपिंग होती है ना एक बार निकल जाती है पानी से तो क्या होता है उसके दाग बैठ जाते हैं, साफ से तो निकलते नहीं है, इसको हम थोड़ा गीला कर लेते हैं, अब दिखाते हैं आपको दोबारा, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, इसको हम फिर अब ये देखो बॉडी बिल्कुल चमक गई है, इसको भी हटा के दिखाते हैं आपको, ये पीला पानी दिख रहा होगा आपको, तो आप देख सकते हो मैंने रबिंग कर ली है जो स्क्रैचेस थे, और गाड़ी देखो बिल्कुल क्लीन दिख रही है ना, बिल्कुल वाइट पन आ गया है इसमें, बस थोड़ा जो आगे दरवाजा है उसमें अभी मैंने नहीं किया है तो वो हल्का डल है, बट जो पीछे है बिल्कुल क्लीन आ चुका है, इसका जो पीलापन होता है ना वो चमक दे देता है। देखो इसमें और इसमें बहुत अंतर दिख रहा है, इसमें जो दाग होते हैं ना पानी का दाग गाड़ी
धूप में खड़ी रहती हूँ, दाग व्हाइट में बना तो सब हट जाएगा। देखो दोस्तों चमक गया है, अभी हम इसमें पानी मारते हैं, जिसका पीला पत्ता वो दूर हो चुका है। रबिंग से गाड़ी देखो बिल्कुल वाइट हो गई है, देखो बिल्कुल न्यू जैसी लग रही है। तो आप भी कर सकते हो घर बैठे ही, अगर आता है तो आप मेरी वीडियो देखो और कर सकते हो घर पे ही। देखो कितनी क्लीन हो चुकी है रबिंग मार के गाड़ी की बॉडी पे।